स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, कैसा रहेगा मौसम, कहां होगी बारिश। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बरसात की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही केरल में तटीय इलाकों में भी काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर मौसम अलर्ट पर। तो भारत में कहां किस तरीके का मौसम रहेगा वो हम आपको अपने पीछे दिख रहे इस मैप के जरिए बताएंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तीन कलरों से ये जो मैप है इसे डिनोट किया गया है। और लाल रंग का मतलब है चेतावनी, सावधान रहने की जरूरत है, यानी कि केसरिया रंग। पीले रंग का मतलब है नजर बनाए रखने की जरूरत है। और जो क्षेत्र हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यानी कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहां पर गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। दक्षिण भारत की बात करें तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर भी जो बारिश है वो आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर चेतावनी जारी की गई है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि यहां पर भारी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। मौसम का पूर्व अनुमान जान लेते हैं। आप हमारे पीछे ये नक्शा देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग से जो क्षेत्र दर्शाए गए हैं, यानी कि यहां पर अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इसमें शामिल है। और पंजाब, चंडीगढ़, यहां पर अनेक जगह बारिश हो सकती है। हरियाणा में कई जगह बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जो कि आसमानी रंग से दर्शाया गया है। इसके साथ ही ये तो हमने उत्तर भारत की बात करी, अब हम पूर्वोत्तर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। झारखंड में आपको बता दें कि कई जगह बरसात हो सकती है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी कई जगह बरसात हो सकती है। उड़ीसा में अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की भी बात कर लेते हैं। यहां पर तेलंगाना में या भीतरी उत्तर कर्नाटक में यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में कई जगह बरसात हो सकती है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं केरल में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, पश्चिम भारत और मध्य भारत की भी बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहां पर अनेक जगह बरसात हो सकती है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहां पे जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम की चाल भी जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके की मौसम की चाल रही है, कहां कहां बारिश आई है, तेज हवाएं चली हैं। तो आप देख सकते हैं लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इन सब एरियों में जो बारिश आई है, तेज हवाएं चली हैं, बिजली कड़की है। तो ये हमने पूरा आपको ये जगह बताई कहाँ कहाँ क्या कुछ मौसम की चाल रही। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं और उससे जुड़े हुई जगह का रुख कर लेते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर बारिश हुई है तेज। और उड़ीसा की बात करें तो यहां पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। गंगा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और इसके अलावा भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह पर जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में ये मौसम की चाल रही। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं, दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। गुजरात, अब हम पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इसके साथ ही कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, यहां पर बारिश हुई है।
इसके साथ ही मध्य भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और इससे आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश हुई है। तो ये आपने मौसम का पूरा तरीके का क्या कुछ मौसम की चाल रही ये सब जाना। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अब आगे के सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो चलिए जानते हैं कि कहां क्या है तापमान का हाल। तो तापमान का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उत्तर भारत की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में अधिकतम तापमान 30 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और अधिकतम तापमान कहां क्या रहा ये बता देते हैं आपको। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आपको बताते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान कितना रहा। यहां जैसलमेर में 41.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब न्यूनतम तापमान भी जान लेते हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब आगे बढ़ेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बिहार में यहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं कि कहां किस तरीके का दर्ज किया गया। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो तेलंगाना का तापमान आपने जाना। अब आपको तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो कहां अधिकतम तापमान रहा, न्यूनतम तापमान रहा, ये आपने जाना। अब देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर किस तरीके का तापमान रहा वो भी आप देख लीजिए। Thank you.
तो भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का तापमान रहेगा वो आपने जाना। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट में आपको लिए चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि किन किन शहरों में किस तरीके का वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, कहां की हवा अच्छी रही और कहां की हवा का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो खराब दर्ज किया गया। दिल्ली में 245 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं लखनऊ में 119 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां पर 29 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। साथ ही इसके बाद बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद में 89 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही हैदराबाद पे नजर डाल लेते हैं, जहां पर 52 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। कोलकाता में 74 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं पटना की, जहां पर 117 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया। पुणे में गुणवत्ता सूचकांक 32 दर्ज किया गया, यानी कि बहुत ही अच्छी श्रेणी में यहाँ की जो हवा है वो है। पर्यटन पूर्वानुमान पर भी नजर डाल लेते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किस तरीके का मौसम 4 दिन तक यहाँ रहेगा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं सबसे पहले, और यहाँ के श्रीनगर की अगर बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक क्या रहेगा मौसम का हाल बता देते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 26 से 28 के बीच रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 18 से 19 के बीच रहेगा। यानी कि जो शुक्रवार का दिन है, इस दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, और बाकी के जो 3 दिन हैं वो पूरे तरीके से साफ रहने वाले हैं और सूरज भी निकलेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर लेते हैं, यहाँ पर चारों ही दिन गरज चमक के साथ बरसात होगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 से 23 के बीच में फ्लक्चुएट होगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 से 17 के बीच फ्लक्चुएट होगा। यानी कि शुक्रवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 23 तो मिनिमम टेम्परेचर 17, और बाकी के 3 अधिकतम तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान तीनों दिन 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही पंजाब के अमृतसर की भी बात कर लेते हैं, चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, जो अधिकतम तापमान है वो 31 और 32 के बीच रहेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि न्यूनतम तापमान जो है वो 26 और 28 के बीच रहने वाला है। तो यानी कि चारों ही दिन बारिश होगी। अगर आप अमृतसर जाने का सोच रहे, गोल्डन टेम्पल आप देखने जाना चाहते हैं, तो थोड़ा जो बैक पैक है वो इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की, जहां पर जो शुक्रवार का दिन है उस दिन बारिश होगी, शनिवार को थोड़ा मौसम साफ रहेगा, बाकी के 2 दिन यानी रविवार सोमवार को भी बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, जो कि 34 से 35 के बीच रहेगा, और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो यानी कि अधिकतम तापमान आपने जाना और न्यूनतम तापमान आपने जाना कि माउंट आबू में किस तरीके का रहेगा। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, जहां पर शुरू के 3 दिन बारिश होगी और जो चौथा दिन है यानी कि सोमवार वो थोड़ा साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 34 से 35 रहेगा, और जो न्यूनतम तापमान है ये 28 और 27 के बीच, यानी 27 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो ये आपने जाना जलपाईगुड़ी में किस तरीके का 4 दिन का मौसम का हाल रहेगा। शुरू के 3 दिन बारिश और जो आखिरी चौथा दिन है
तब मौसम थोड़ा क्लियर रहेगा। मणिपुर के इम्फॉल की भी बात कर लेते हैं, चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि शुक्रवार से सोमवार तक बारिश होगी और अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 31 से 33 के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 22 से 24 के बीच रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 22 और बाकी के तीन दिन 24 रहेगा। तो इम्फॉल में आपने जाना कि किस तरीके का जो है मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर चारों दिन बारिश होगी, अधिकतम तापमान भी चारों दिन जो है सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है ये भी चारों दिन पूरी तरीके से सेम रहने वाला है, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो पर्यटन पूर्वानुमान अभी हमने आपको बताया महाबलेश्वर का, और अब आगे बढ़ लेते हैं, गोवा की बात कर लेते हैं। पणजी की अगर बात करें तो जो पहला दिन है यानी कि शुक्रवार को बारिश होगी, जो बाकी के तीन हैं वो थोड़ा बादल छाए रहेंगे। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चारों दिन सेम रहेगा। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, तो ये भी चारों दिन बिल्कुल एक समान रहेगा, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पणजी में रहने वाला है। इसके साथ ही तमिलनाडु के ऊटी पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां पर शुक्रवार को बारिश होगी गरज चमक के साथ और शनिवार रविवार सोमवार यानी कि बाकी के जो तीन दिन हैं यहां पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 14 से लेकर 15 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर ये चारों दिन ही 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं, जहां पर चारों दिन बारिश होगी और अगर अधिकतम तापमान की बात करें मैसूर के तो यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 23 डिग्री सेल्सियस मैसूर में रहने वाला है। यानी कि अगर आप मैसूर जा रहे हैं तो बैग अपने ध्यान से पैक कीजिएगा क्योंकि चारों दिन ही बारिश होगी। तो ये आपने पर्यटन का मौसम पूर्वानुमान आपने जाना। अब आपको बताते हैं, क्योंकि सावन चल रहा है, मानसून आ चुका है, कई जगह बारिश हो रही है, तो ऐसे में पंजाब और दिल्ली के किसानों को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। पंजाब में इस समय धान के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाले, इसके अलावा यहाँ किसान इस मौसम में बासमती धान की रुपाई कर सकते हैं। बासमती धान में किसान PR 126 किस्म का चुनाव करें। पंजाब में ही समय कपास को कीटों और रोगों से बचाएं। इसके साथ ही समय समय पर रोगों से प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दें। यही किसान मक्के के खेतों में पानी जमा ना होने दे। पंजाब में ही ये समय मूंग और मैश की बुआई के लिए उपयुक्त है। मूंग में किसान ML 1808 और 818 जैसी किस्मों का चुनाव करें। पंजाब में ही किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च और भिंडी की नियमित अंतराल पर तुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही यहां भिंडी की पंजाब सुहावनी, पंजाब लालिमा और लोबिया की लोबिया 263 किस्मों की बुआई के लिए ये सही समय है। पंजाब के किसान इस समय लौकी, पेठा, तोरी, करेला और टिंडा जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में इस समय बागों में पानी जमा ना होने दें। इसके अलावा नींबू, अमरूद, आम और आंवला जैसे फलों के नए पौधे लगाने के लिए भी ये समय उपयुक्त है। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान नर्सरी और बागों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे इस समय खेतों में सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। दिल्ली के किसान इस मौसम में मूली, पालक और धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। चलिए अब अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आज की फसल के बारे में, और आज की फसल है टमाटर। तो टमाटर के लिए किसानों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के लिए सावधानी रखनी चाहिए, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर की फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना, और इससे पहले आपने कई सारी जानकारियां भी ली। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान देश के हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहता हो, वो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगी, पहले मैं किसी और के यहाँ नौकरी कर रही थी और अब मैं कम से कम मैं बोलूं तो 15 से 20 लोग मेरे यहाँ मेरे फार्म में काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है दुनी आमदनी, हकीकत में मेरी तो दुनी हो चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है टेक्नोलॉजी को प्रसारित करने में। मध्य प्रदेश से देखिए FPO पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 21 जुलाई शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मिट्टी रहेगी सेहतमंद, पैदावार भी होगी शानदार। प्राकृतिक खेती से होगा मुनाफा, सरकार भी दे रही साथ। कार्यक्रम विचार विमर्श प्राकृतिक खेती 22 जुलाई शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान का मकसद है आप सभी को बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर वो जानकारी देना जो आपको बनाती है स्मार्ट किसान। अर्थनीति में आज बात होगी उन सभी सेवाओं के बारे में जो बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं। बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या है ये योजना। कोई भी व्यक्ति अपना एक क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन देता है और 60 साल के बाद में उसको एक मंथली पेंशन आती है टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। हम ने दी आवाज और हुआ दूरदर्शन पर फिल्मों का आगाज।
रोज दोपहर लजीज लंच के साथ देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज। मैं आपका इंतजार करूंगा। नई तरंग और नया जोश भर जाता है जब हम देखते हैं फिल्मों को और फिल्मों में काम करने वाले हीरो हीरोइन कॉमेडियन विलन और अन्य कलाकारों को। वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहाँ, जहाँ रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियाँ। देखना न भूलें सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अनु कपूर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। मिट्टी रहेगी सेहतमंद, पैदावार भी होगी शानदार। प्राकृतिक खेती से होगा मुनाफा, सरकार भी दे रही साथ। कार्यक्रम विचार विमर्श प्राकृतिक खेती 22 जुलाई शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई और उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानकारी दें। महिलाओं का उत्थान करती, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती। यह योजना 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक इसके अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 1,000 रूपए से खाता खोला जा सकता है जी। और अधिकतम 2,00,000 रूपए से खाता खोला जा सकता है। छोटी जमा पूंजी पर अधिक ब्याज देती एक योजना, महिला सम्मान बचत पत्र। सरकार आपके साथ, महिला सम्मान बचत पत्र 22 जुलाई शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डिजिटल किसान में अब तक हमने दी है आपको ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स की पूरी जानकारी। प्रोग्राम में शुरू हो गई है अब एक नई पारी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे मनी इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही सरकारी योजनाओं का कैसे उठाएं लाभ। इस सेगमेंट पर रहेगी आगे भी चर्चा जारी, तो स्मार्ट और डिजिटल किसान बनने के लिए देखना ना भूलें आपका अपना प्रोग्राम डिजिटल किसान, हर रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन डीडी किसान। हम ने दी आवाज और हुआ दूरदर्शन पर फिल्मों का आगाज। रोज दोपहर लजीज लंच के साथ देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज। मैं आपका इंतजार करूंगा। नई तरंग और नया जोश भर जाता है जब हम देखते हैं फिल्मों को और फिल्मों में काम करने वाले हीरो हीरोइन कॉमेडियन विलन और अन्य कलाकारों को। वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहाँ, जहाँ रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियाँ। देखना न भूलें सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अनु कपूर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। बदलते भारत की शान।